इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को यह कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश को मजबूत प्रधानमंत्री दिया था, जबकि बीजेपी ने देश को मजबूत प्रधानमंत्री दिया है। शनिवार को हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि जो बहुत चिल्लाता है वो सच्चा नहीं होता। चुनावी घमासान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग फिर से शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो सरकार की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आ गए। रविवार को रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चूंकि अब फैसले प्रधानमंत्री निवास से हो रहे हैं इसलिए सोनिया गांधी परेशान है। कानून मंत्री के मुताबिक कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी, जबकि अब देश को काम करने वाली सरकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद हमने पहली कैबिनेट में बनाया जनधन योजना 28 सितंबर एक दिन में 1.25 करोड़ अकाउंट खुलते हैं गरीबों के लिए। क्या पेट्रोल की कीमत 3 बार कम हुई है क्या 3 महीने में? ये जो पूरे देश को जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो 3 साल में देश के सारे पंचायतों को जोड़ना है ब्रॉडबैंड से, यह विचार कभी आपकी सरकार में आया था क्या? और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग को देश में आगे बढ़ाने के लिए, और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सोनिया जी, जवाब दीजिए, आपके समय में हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान में पूंजी लगाने से भाग रहे थे। असल में शनिवार को सोनिया गांधी ने हरियाणा की चुनावी रैली में केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। चुनावी रैली में पीएम की तरफ इशारा करते हुए सोनिया ने कहा था कि जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा केंद्र सरकार यूपीए सरकार की योजनाओं को ही अपना बताकर ला रही है। भाजपा जैसे भाजपा ऐसा दिखावा कर रही है जैसे सब कुछ इनकी सरकार आने के बाद हुआ है, और जो हो रहा है वह पहली बार हो रहा है। असल में इन्हें दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताने में ही खुशी होती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी तब हमारी योजनाओं को ये लोग आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये हमारे उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर चला रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रथम परिवार को लेकर बीजेपी के तेवर और तल्ख हो गए हैं। जो असली गांधी थे वो तो हर चीज की गारंटी लेते थे, वो हमारे देश की गारंटी है, वो हमारे करेंसी की गारंटी है, मगर ये जो गांधी है इनकी तो कोई गारंटी नहीं है, इन्होंने देश को बेचा है, ये चाइनीज गांधी है। चुनाव के इस दौर में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी जारी रहेगा। कांग्रेस भी ये जानती है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चला मोदी जादू अगर अब भी वैसा ही जारी रहा तो विधानसभा चुनाव के नतीजे उसे और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का निशाना सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।